हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिलिंद कुमार गौतम और मैं आज आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 12.1 जो कि है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। यहां पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सर्च करके सभी पार्ट्स देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी रिएक्शंस को एक एलैबोरेटेड वे में हर किसी रिएक्शन को पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में समझाया है। आप वहाँ पर एक इजीली तरीके से कैसे लर्न करेंगे मैंने सभी चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है व्हाट इज साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। साइनोहाइड्रिन एक कार्बोनिल कंपाउंड और CN- यानी नाइट्राइल का एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन की हेल्प से देखेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन के आप एक या एक से ज़्यादा एग्जाम्पल पढ़ें। उसका रीजन ये है कि कौन सा एग्जाम्पल रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिया जाए और या फिर इस तरीके से कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ नए नए एग्जाम्पल ऐड करूँगा और लेकिन जब एग्ज़ाम में एक मार्क्स में आता है तो आप उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखेंगे, सारे एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साइनोहाइड्रिन में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो कैसे बनेगा। और इसमें मैंने HCN लिया है और इसकी रिएक्शन हो रही है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम यानी OH-। ये जो OH- है वो HCN मीन्स हाइड्रोसाइनिक एसिड के AH को से रिएक्शन करके H2O फॉर्म करेगा और बनाएगा CN- इस तरीके से। ये जो बना है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा ये, और किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। अब कार्बोनिल कार्बन पर ही क्यों अटैक करता है देखें, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पार्शियली नेगेटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पार्शियली पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। देखिए कुछ इस तरीके से CN- ये यहाँ पर अटैक करेगा और जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और CN इस तरीके से अटैच होगा। अब क्या होगा, जो H2O पहली रिएक्शन में फॉर्म हुआ था यहाँ पर, वो H2O H अपना प्रोवाइड करेगा इस ऑक्सीजन को और बनाएगा फाइनल साइनोहाइड्रिन। ये लीजिए इस तरीके से फाइनल साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बताया है कि CN एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पर किस तरीके से अटैक करता है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अगर आपको कोई डिफरेंट कंपाउंड दे दिया जाए। जैसे आपको दे दिया एस्टेल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये लीजिए, और सेम पैटर्न से CN- कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर क्या होगा CHO- और ये CN। सिमिलर वे में जो H2O है वो अपना H इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा और बनेगा फाइनल प्रोडक्ट यानी CH3COH, H एज इट इज अपने ही जगह पर एंड CN। जब H ये प्रोवाइड कर देगा तो OH- जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है इसको कहा जाता है साइनोहाइड्रिन ऑफ एस्टेल्डिहाइड, क्योंकि ये एस्टेल्डिहाइड का डेरिवेटिव है। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी सेम ये पैटर्न से रिएक्शन करेगा, क्या होगा CN- ले लीजिए फिर से, और ये CN- इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा और क्या होगा बेंजीन
और इस पर क्या हुआ, सी एच एज इट इज जो अटैच है, सी एन ओ एच, दिस इज साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजल्डिहाइड। मैं यहाँ पर आपको साइनोहाइड्रिन फॉर्म कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ये 12.1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 12.1 का सेकेंड पार्ट, दैट इज एसिटल फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।